पूरे देश भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इस अवसर पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी ने झंडा फहराया और सलामी दी। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान उच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्ति, रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट बार अध्यक्ष एवं हाईकोर्ट के समस्त अधिवक्ता मौजूद रहे। वहीं आजादी की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी ने देश व प्रदेश को शुभकामनाएं दी। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। The army people who've given their life for all of us, and that is what we have to remember, and we have to love our country the way they love that. That's all. That's all. Maaon ke liye they should love their country and work for the country. That's all. देश में बहुत उत्साह है। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आशीर्वाद है कि जो आज हम बड़े उत्साह और उल्लास के साथ इस दिवस को मना रहे हैं। देश हमारी प्रगति की राह पर अग्रसर है, ये आप लोगों को सब जानकारी है। युवाओं के लिए भी तमाम तरह के कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किए हैं। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हर दिशा में कार्य हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से देश प्रगति के रास्ते पर चलता रहेगा तो तीसरी जो है आर्थिक महाशक्ति बनने में कोई देरी नहीं।